अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें। तो जी, आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो उसके लिए मैंने ये एक बड़ा आलू, इसको मैंने नमक, हल्दी और जीरे में उबाल लिया है। अब मैं इसको मैश कर लूँगी इस कांटे की मदद से। जी, तो ये मैंने कांटे की मदद से गरम गरम मैश कर लिया है। ये एक बड़ा आलू है, इसमें आराम से दो पराठे आराम से बन जाएंगे, आलू के पराठा। तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अब हम जो इसमें मसाला जार डालेंगे, मसाले डालेंगे या स्पाइस डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो जी, मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, उसके बाद अब मेरे पास ये भुना हुआ साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ है, तो ये मैं डालूँगी थोड़ा सा इसमें, ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था तो ये मैंने डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो आप इसमें हरी मिर्चें काट के डाल सकते हैं बारीक बारीक, और कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो मैं जो हूँ मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चों ने खाना है, तो मैं इसमें हरी मिर्चें नहीं डालूंगी। अगर आप लोगों को स्पाइस ज़्यादा चाहिए तो आप कुटी हुई लाल मिर्चें और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये मिक्सचर रेडी कर दूंगी। जी, तो मैंने इसको हाथ से भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ लोगों को मैंने इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालते हुए देखा है, तो जितना आप डालेंगे टेस्ट उतना ही जो है ना आगे पीछे हो जाएगा। तो इसमें ये जो टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्चें, साबुत धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और हल्दी, नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें, बस इसका टेस्ट जो है इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे आप अपना टेस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर इसमें आप डालेंगे, धनिया पाउडर भी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, तो वो बिल्कुल सालन की तरह का हो जाएगा। तो आलू के पराठे का एक थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होता है जिसमें हमें लगे कि हाँ वाकई में हम के आलू खा रहे हैं। जैसे हम आलू के समोसे में खाते हैं ना आलू का मिक्सचर, तो सेम कुछ कुछ ऐसा ही होता है ये भी। तो अब इसमें मैं दो छोटे छोटे पेड़े बना के और इसमें ये आलू के मिक्सचर की फिलिंग करूँगी। वो मैं कैसे करूँगी तो मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, सेम वैसे ही नमक डाल के मैंने आटे को गूंद लिया है। ना बहुत ज़्यादा हार्ड करना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है, नॉर्मल डो रखनी है आटे की। तो आटा हमारा रेडी है आलू के पराठे के लिए। तो अब इसलिए स्टार्ट करते हैं इसे। चीज़ें सारी मैंने रेडी कर दी हैं, आटा, ऑयल, खुश्की, आलू का मिक्सचर और तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ये मैंने छोटे छोटे दो पेड़े बना लिए हैं, ठीक है। मैं इनको बेल लूँगी रोटी की तरह के और फिर इसमें फिलिंग करूँगी ये आलू के मिक्सचर की, ठीक है। दोनों पेड़े एक जैसे हों और दोनों रोटियों को एक ही साइज में, एक ही राउंड में आपने बेलना है। सर्कल उनका सेम होना चाहिए। ये देखें, ये मैंने अभी हाथ से थोड़ी सी बेल ली, बड़ी की है। अब मैं इसको बेलन से भी करूंगी। फिर मैं दूसरे के पेड़े को लूंगी, इसको भी मैं पहले हाथ से थोड़ा सा बढ़ा लूंगी। मैंने इसको बेल लिया, ठीक है। सेम अब मैं दूसरी वाली को भी बेलूंगी। लोग बहुत से तरीके से इसको भरते हैं या शेप बनाते हैं आलू के भुर्ते को, आलू के पराठे को बनाने के लिए, लेकिन मैं जो हूँ वो इस तरह पहले दो छोटी छोटी रोटियां बना लेती हूँ और फिर उसमें जो है वो आलू का मिक्सचर ऐड करती हूँ। तो अक्सर लोग एक ही पेड़े को, एक ही रोटी को डाल के और फिर उसको फोल्ड कर देते हैं, लेकिन वो मुझसे इतना अच्छा नहीं बनता। मुझसे ये वाला ज़्यादा अच्छा बनता है क्योंकि मेरी वालदा जो है, मेरी अम्मी जो है, वो इस तरह जो है मूली के पराठे, आलू के पराठे बनाती थी। तो ये देखिए, मैंने बराबर बराबर जो है रोटियां बेली हैं। मैं
आपको दिखाती हूँ करीब से। जी तो ये मैंने रोटियां बेल ली हैं, इनको मैंने खुद ही बड़ा किया है क्योंकि मिक्सचर जो है वो मुझे डालना है तो आसानी से इसमें फैल जाएगा। अब मैं मिक्सचर इसमें डालती हूँ। जी तो ये मैंने सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है, जो थोड़ी सी जगहें रह गई हैं जब वो मैं बेलन इसमें चलाऊंगी तो खुद ही हो जाएगा। अब ये दूसरी रोटी इसके ऊपर आएगी, ठीक है, इसको हम सेट करते हैं और इसके किनारे जो हैं वो सारे हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अरे वाह, जरूर बेबी का मामा बन रहा है। अरे वाह, जरताशा एंड उमर का बन रहा है आलू का पराठा। तो ये देखिए, अब जो जगहें खाली थी, जैसे ही मैं इसको बेलन करूंगी हल्का हल्का सा, ये ऑलरेडी ही बड़ी हैं, ठीक है, तो इसमें ज्यादा मैं चलाऊंगी नहीं बेलन, सिर्फ मिक्सचर को बैलेंस करने के लिए। ये सारे बराबर 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 मैंने इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस किया है, ठीक है। अब मैं इसको आराम से इस तवे पे डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल ताकि ये पराठा चिपके ना। हवा बहुत तेज है तो सब मैं और खाऊंगी और इसको ऐसे आराम से डाल दूंगी, ठीक है। अब और भी ऑयल डालूंगी, इसको हल्की आंच पे, ज्यादा हल्की आंच पे नहीं लेकिन हल्की आंच पे आपने पकाना है क्योंकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है। आराम से पलटना है इनके, इसमें जो है ऑयल है गरम गरम, कहीं वो आपके ऊपर ना गिर जाए। खासकर जो नई बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, जिनको कुकिंग का शौक होता है और वो जाती हैं किचन में, आजकल तो क्या लड़कियों को माशाल्लाह बच्चियों को बेकिंग का बड़ा शौक है, फास्ट फूड बनाने और खाने का शौक है, लेकिन खैर तो बहुत ज्यादा केयर करनी है ऑयल से। मैंने हल्की आंच पे रखा है लेकिन फिर भी देखें ये गोल्डन होना शुरू हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये है इसकी शक्ल माशाल्लाह। हम इस साइड से भी पकाएंगे आलू का पराठा। ये देखें, ये क्रिस्पी पन आ रहा है इसमें, आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन हो रहा है। ये देखें, मैंने आंच हल्की की हुई है तो ये बन गया हमारा आलू का पराठा। ये लाइव बना रही हूँ मैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया, 7 मिनट की वीडियो बन गई है। अभी तो जो मिक्सचर है उसकी भी जाएगी, लेकिन खैर आपको मैं दिखा रही थी कि इस तरह जो है मैं इसको हर जगह से जो है अच्छी तरह क्रिस्पी कर लूँगी तेज़ आँच पर। तकरीबन हाफ हो चुका है ये, यहाँ से बाजार वाले ऐसे घुमाते हैं चमटे से राउंड 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 राउंड। इसको यहां से भी क्रिस्पी कर दूंगी तेज आंच पे। ये बैक साइड है इसका। जी तो रेडी है हमारा आलू का पराठा रायते के साथ और सैलेड के साथ। इसकी लेयर्स, गरम गरम आलू का पराठा। तो जी कैसी लगी आपको मेरी आलू के पराठे की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।